हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। ये एग्जाम हुआ आपका 22 सितंबर 2019 को और ये मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर लिया गया है। इसमें हम पूरी आंसर की डिस्कस करेंगे, यानी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शब्द बैकलैश में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द की शुरुआत से उतनी दूरी है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में शुरुआत से है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा दो, डी। और ये दो अक्षर है, जैसे सी ये तीसरे नंबर पर है इस वर्ड में भी और अंग्रेजी वर्णमाला में भी, और ऐसे ही आपका जो है एच आ जाएगा। तो ये दो आ जाएगा, तो डी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है झज्जर जिले में, और इसके अलावा खपरवास वन्य जीव अभयारण्य भी झज्जर जिले में स्थित है। इन वन्य जीव अभयारण्यों से रिलेटेड आपके एक ट्रिक की वीडियो भी है जो कि स्टडी जोन चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें ताकि आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से इन सभी वन्य जीव अभयारण्यों को याद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। तो इसमें आपका आंसर आएगा मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए वर्ग आवयुक है यानी ए इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी इनमें से कौन सी सही नहीं है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ए स्क्वेयर सममित है यानी ए स्क्वेयर इज सिमेट्रिक। तो ए ये सही नहीं है, बाकी तीनों ठीक है। तो इसमें ए आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में 22 जिले हैं और 22वां जिला कौन सा बना है? चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉइल में एक कुंडली में 53 mH की प्रेरण और 0.5 ओम का प्रतिरोध है। यदि 12 वोल्ट विद्युत चुंबकीय बल को कुंडली के पार लिया गया जाता है तो विद्युत प्रवाह का संतुलन मान बनने के बाद चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा भंडारित होती है? तो इसमें आपका आंसर आएगा 31 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका समूह दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है जिसमें 10 एलिमेंट है। तो जी यानी इस ग्रुप के तत्वों की न्यूनतम संख्या जो स्वयं के व्युत्क्रम है यानी ऑन इनवर्स है, तो इसमें आपका आंसर आएगा 2। सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सोनीपत नगर साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का आता है, एसक्यूएल एसक्यूएल में विशेष स्तंभ पर आधारित गणना को कार्यान्वित करने के लिए किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं? तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑर्डर बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण चैनलों की श्रेणी में नहीं है? तो इसमें आपका आंसर आएगा लाइट बैंड यानी प्रकाश बैंड, बाकी तीनों इस श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 का भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है? तो यह किया है इंदौर ने, और इंदौर ने यह लगातार तीसरी बार यह खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 और 800 के बीच सभी पूर्णांकों का योग जो 9 से विभाज्य है, तो इन सभी को आप जोड़ोगे तो इसमें आपका आंसर आएगा 32,967। बीस में आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए के किस राष्ट्रपति ने कहा था, अधिक गेहूं बोए और गेहूं युद्ध जिताएगा? तो यह कहा गया था विल्सन के द्वारा। ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय सेना अभ्यास IMBEX 2018-19 निम्नलिखित में से किस देश के बीच में हुई? तो यह हुई है भारत और म्यांमार के बीच में। सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम जो भारत के राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट है उनके उनके द्वारा अप्रूव किया गया 6 जनवरी 2002 को, और यह फोर्स में आया 27 जनवरी 2003 को। लेकिन 2003 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, 2002 भी नहीं है,
तो इसमें आपका जो है सबसे नजदीक 2004 हो सकता है, या आपकी एचएसएससी के आंसर की के हिसाब से आपका क्या आंसर आएगा वो एचएसएससी के आंसर की में पता लगेगा, लेकिन इसके लिए आपकी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट डेट होती है 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्प दमन किस नगर का प्राचीन नाम है? तो यह सफेदों का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपकी रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? तो यह कहा जाएगा इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया, सी इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितिन 49 छात्रों की एक कक्षा में 18वें स्थान पर है, तो पीछे से उसका स्थान क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा 32वां। नेक्स्ट है, एक्स अक्ष के समांतर और मूल से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, ये आपका एक्स एक्स एक्सिस आ गया, तो इसके पैरेलल और ओरिजिन से होकर गुजरने वाली, तो ये आपकी लाइन नहीं बनेगी, इसके पैरेलल होगी तो वो ओरिजिन से होकर नहीं गुजरेगी, तो इसमें आपका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमाइज द एक्सप्रेशन, ये आपको मिनिमाइज करना है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ए प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 और 1000 के बीच की सभी संख्याओं का योग जो कि 13 से विभाज्य है, यानी 13 से आप उनको डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, ऐसी जो भी संख्या है 100 और 1000 के बीच में बनती है उनका जोड़ कितना आएगा? तो उनका जोड़ आएगा आपका बी करेक्ट आंसर है 37674। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है? तो यह स्थित है आपका 80 किलोमीटर, लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? तो यह माना है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 3 साल बड़ा है और सी से 3 साल छोटा है, जबकि बी और डी जुड़वा है, तो डी से सी की आयु कितनी अधिक है? यानी जैसे आपका इसमें ले सकते हैं ए बी सी है, तो ए बी से 3 साल बड़ा है, तो बी की अगर आपने 1 वर्ष मान ली तो ए की आएगी इससे 3 साल बड़ा, यानी इसकी 4 साल इसकी आयु आएगी, और सी से 3 साल छोटा है, तो सी से 3 साल छोटा है तो सी की आपकी आ जाएगी 7, तो बी और डी जुड़वा यानी बी और डी दोनों की एज सेम रहेगी, तो डी से सी की आयु कितनी अधिक है? तो डी से सी की आयु है 6 वर्ष अधिक आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको श्रृंखला पूरी करनी है, तो इसमें आपका आंसर है जैसे 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 16 में आपका है 16 × 16, 16 × आपका 8 आ गया, और 128 × 16, तो इसमें आपका आंसर आएगा 2048, ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में भारत के पहले मानवीय मिशन परियोजना का नाम है? तो यह नाम है गगनयान परियोजना का, और यह कौन से रॉकेट पर होगा? GSLV MK3 रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है कुष्ठ रोग उन्मूलन के उनके योगदान के लिए जापान के योहेई ससाकावा को, तो सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टिपिकल वॉइस सिग्नल हैज ए बैंड विड्थ ऑफ, तो इसमें आपका आंसर आएगा 3 kHz, तो डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका राउंड होता है 3100 Hz के करीब होता है ये। हरियाणा नगर पालिका निगम कहां स्थित है? तो यह स्थित है पानीपत में, ए जो आपके ऑप्शनों में दिया हुआ है
ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। प्रतापगढ़ फार्म कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है झज्जर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके दो इक्वेशंस दी हुई है, तो ये आपके किस प्रकार की इक्वेशंस होगी ये आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ये एक दूसरे के समांतर है, यानी एक दूसरे के पैरेलल है, तो सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, आपको जैसे पक्षी और मछली के बीच में संबंध है, ऐसे ही आपको जो है हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच में संबंध है, बीच में आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आने वाले दिन कल के बाद का दिन शनिवार है, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था? तो इसमें आपका आंसर आएगा शनिवार। ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के, तो इसमें आपका आंसर आएगा हाफ के एक्स स्क्वेयर। डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पर पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया गया था? तो यह किया गया था हरियाणा राज्य में। वैसे ईवीएम का पहली बार यूज कहां पर किया गया था? केरल राज्य में किया गया था, लेकिन यहां पर पूछा गया पंचायत राज चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे इसका मतलब आपको दे रखा है, इसका मतलब है प्लस, तो इस प्रकार से आप पुट करोगे तो इसमें आपका आंसर आएगा 30। नेक्स्ट है, नाटक निर्देशक से संबंधित है, समाचार पत्र किससे संबंधित है? संपादक से। फल्गु टैंक एक पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है? तो फल्गु तीर्थ आपका कैथल में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहां पर स्थित है? तो एक आपका सुभाष चंद्र बोस पार्क गुरुग्राम में स्थित है, लेकिन आपके ऑप्शनों में गुरुग्राम नहीं है, लेकिन एक आपका जो है सुभाष पार्क है। सुभाष पार्क हाल ही में करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है, और वो स्थित है अंबाला में। हाल ही में जनवरी 2019 में सुभाष पार्क में 40 लाख रुपए की लागत लगी है, तो इसमें आपका आंसर हो सकता है अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दो इक्वेशंस दी हुई है, इनके बीच का जो है आपको एंगल बताना है, तो इसमें आपका आंसर आएगा π/2। नेक्स्ट है, एरो इंडिया 2019 अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्विचिंग तकनीक में दो नोड के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक जुड़ाव स्थापित किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है सर्किट स्विचिंग में, यानी परिपथ स्विचिंग में। सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, डाइकमैन सघनन अभिक्रिया डैश मैकेनिज्म द्वारा नियंत्रित होती है, तो यह होती है कार्बेन। नेक्स्ट है, आपको ये श्रृंखला पूरी करनी है, क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा ये आपको निकालना है, तो इसमें आपका आंसर आएगा सी। ये आपकी सीरीज बनती है 2 का क्यूब -1, ये आपका 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, तो ऐसे ही 5 का क्यूब 6, 7, ये आपका 8 का क्यूब -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई? तो हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई 1 मई 1974 को, जो जो आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ये आपका जो है एचएसएससी के आंसर की में देखना पड़ेगा इसका क्या आंसर वो देते हैं, लेकिन इसकी स्थापना की गई थी 1 मई 1974 में। इसका करेक्ट आंसर आएगा 1974। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई कौन सी है? तो ये आपका आंसर आएगा ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस किस में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में, तो 20 में आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सीरियल पोर्ट आंकड़ों को एक समय पर डैश बिट क्रम से स्थानांतरित करता है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए 1 बिट।
नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन था, इसको आपको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आपकी ए, ये मैट्रिक्स दी हुई है तो ए प्लस में ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू एक है, तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो इसमें आपका आंसर आएगा पाई बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया, तो इसमें आपका आंसर आएगा रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ, तो इनका जन्म हुआ महेंद्रगढ़ जिले में। नेक्स्ट है, यदि निम्नलिखित 5 शब्दों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा, तो मध्य में आएगा प्ले शब्द। तो जैसे आपका सबसे पहले ये बैक आ जाएगा, फिर आपका ड्रा, और फिर आपका आएगा प्ले, और फिर उसके बाद रीड और राइट। तो प्लेस में आपका मध्य में आएगा, डी में आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, नासा ने हाल ही में एक मानव रहित परमाणु संचालित ड्रोन ड्रैगन फ्लाई प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो इस परियोजना का उद्देश्य है शनि के चंद्रमा टाइटन पर सूक्ष्म जीवों के जीवन के संकेतों की खोज करना। यानी जो आपका सैटर्न है, सैटर्न का मून है टाइटन, तो इस पर जो है जीवन की खोज करना, ये इस ड्रैगन फ्लाई का उद्देश्य है। और ये किसके द्वारा भेजा गया है, नासा के द्वारा यह भेजा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, तो ये आपका रीजनिंग का सवाल है, तो ये आपका सोल्व करना था, तो इसमें आपका आंसर आएगा 510, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो डी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। ये आपके क्वेश्चन में भी एरर हो सकता है, क्योंकि डिवाइड का मतलब भी मल्टीप्लाई दे रखा है, और आपका जो है माइनस का मतलब भी मल्टीप्लाई दे रखा है, तो दो ऑप्शंस में आपका जो है मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर आप इनको सही तरीके से पुट करते हैं तो एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, इसका आंसर आएगा इनके हिसाब से 510। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है क्वेश्चन मार्क वाली जगह फाइंड आउट करनी है, तो इसमें आपका आंसर आएगा क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर 18। ये आपको ये सभी मल्टीप्लाई कर देने और डिवाइड बाय 10 कर देने, ऐसे ही ये सभी मल्टीप्लाई कर देने, डिवाइड बाय 10 आप कर दोगे, और ऐसे ही इन सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपका आंसर आएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित इनमें से कौन सा नगर है, तो यह फतेहाबाद, जो इन्होंने अपने पुत्र के नाम पर, फतेह खान के नाम पर बसाया है। 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण क्या था, तो यह था नेतृत्व न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना, तो इसमें डी आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायरूट टेस्ट कंसिस्ट इन ट्रीटिंग द एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, तो बायरूट टेस्ट को आपको एक क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि बायरूट टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, तो ये आपको याद रखना है। अगर इससे रिलेटेड आपके नेक्स्ट कलर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बायोरेड टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, और इसमें आपका आंसर आएगा CuSO4, तो डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स दी हुई है, और डी मैट्रिक्स आपको बतानी है, जहां CD-AB की वैल्यू 0 आएगी, तो इसमें आपका आंसर आएगा 191, ये अपॉन में -77, तो बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है, ये आपके चारों एलिमेंट ये आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान में यमुना नदी से निकाली गई, तो यह निकाली गई ताजेवाला नामक स्थान से, और ये यमुनानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय, यानी पुलिस मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो यह स्थित है पंचकुला में, और यह पंचकुला के सेक्टर 6 में स्थित है। वहीं इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी यह पुलिस, यह कब बनाया गया था, 1 नवंबर 1966
जिस दिन हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था, ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। और वही इसका मोटो क्या है, तो मोटो भी आप याद कर सकते हैं, आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मोटो है हरियाणा पुलिस का सेवा सुरक्षा, सेवा सुरक्षा सहयोग, ये आपको मोटो भी याद रखना है, आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान को देहरादून में स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया गया 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स डिकेंस का कौन सा उपन्यास गरीबों पर औद्योगिकरण के प्रभाव की जानकारी देता है, तो यह देता है हार्ड टाइम्स, सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर बोर्ड सपोर्ट से डैश रिबन केबल, तो इसमें आपका आंसर आएगा 34 पिन, 34 पिन इसमें आपका आंसर आना था, जो किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, तो इसका आपका आंसर 33 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VARCHAR वर्चर 2 कितने बाइट तक कैरेक्टर भंडारित कर सकते हैं, तो इसमें आपका आंसर आएगा 4000 बाइट तक। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्चर वर्चर कितने बाइट तक कैरेक्टर भंडारित कर सकते हैं, तो वो आपका आंसर आएगा 2000 बाइट तक। तो वर्चर पूछा जाए तो 2000 बाइट तक, और वर्चर 2 पूछा जाए तो ये आपका आंसर आएगा 4000 बाइट्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं, तो ये 5 सदस्य भेजे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लोकसभा में 10 और विधानसभा में आपके 90 सीटें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर में उच्च न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया गया था 1919 में, 21 मार्च 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में विश्व में लोकतंत्र की स्थिति किस संस्था द्वारा जारी की गई, तो यह जारी की गई थी अर्थशास्त्री गुप्तचर इकाई के द्वारा, ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है, तो यह प्रदान करता है अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है क्वेश्चन मार्क वाली जगह फाइंड आउट करनी है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी 22, ये आपका आएगा जैसे 11 इंटू 2, ऐसे ही फिर 11 इंटू 6, फिर 11 इंटू 18, और ये आपका है 11 इंटू 54, पहले 2 था, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 3 54, और ये सभी 11 से मल्टीप्लाई होते हैं, तो इसमें आपका आंसर आएगा 22। नेक्स्ट आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें आपका आंसर आएगा दे प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी सेड दी अर्थ गोज राउंड द सन, तो इसमें आपका आंसर आएगा सी सेड दैट दी अर्थ गोज राउंड द सन, सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, दी रोबर्स सेट अपॉन दी डिफेंसलेस ट्रेवल्स। नेक्स्ट है, आवर हैप्पीनेस और आवर शोरो इज लार्जली ड्यू टू आवर ऑन एक्शंस, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए नो एरर, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ही हैज नाइदर अटेंड द मीटिंग नोर हैज ही सेंड ए मैसेज, तो नाइदर का आपका जो पेयर होता है नोर होता है, और आइदर का और होता है। नेक्स्ट है, वी मस्ट नॉट वायलेट दी, इसमें आपका आंसर आएगा कैनन्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट है, यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, यू डैश बी वेरी टायर्ड, तो इसमें आपका आंसर आएगा यू मस्ट बी वेरी टायर्ड। नेक्स्ट है, आई हैव लॉस्ट वन ऑफ माई ग्लोव्स आई, तो इसमें आपका आंसर आएगा मस्ट हैव ड्रॉप्ड इट समवेयर। नेक्स्ट आपके हिंदी के क्वेश्चन है, तो जैसे भूतकाल, भूतकाल में आपका आंसर आएगा मैंने पढ़ना शुरू किया था। नेक्स्ट आपका आंसर है वर्तमान काल, मैं पढ़ता हूं, भविष्यकाल, शायद मैं पढ़ूंगा, तो डी इसमें आपका आंसर आएगा।
नेक्स्ट है, 19 शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग कौन सा है? तो यह उन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ना शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो यह है उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़कर लिखिए। तो यह आपका जो है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है यथाविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास है मनमाना। नेक्स्ट है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में आपका आएगा दूध रोटी। और बहुव्रीही समास, इसमें आपका आंसर आएगा सिरकटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप यह काम सीख लूंगा, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो यह आएगा आप, अपने आप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि से बना है? तो यह बना है उद्धार। इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है? तो यह आपका आएगा पग। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय, यह कौन सी संधि है? तो यह है गुण संधि। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही आपके इस एग्जाम में कितने मार्क्स बने यह आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पेजेस पर आप शेयर जरूर करें। थैंक यू।